मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आज हम निबंध लिखेंगे। निबंध है हमारा गणतंत्र दिवस पे। गणतंत्र दिवस कब होता है हमारा? 26 जनवरी को। यह है राष्ट्रीय त्यौहार है। ठीक है, अब मैं सब ये पढ़ती हूँ निबंध। ये आप ध्यान से सुनो, उसके बाद इसे सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखो, साथ ही याद भी करो। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। दूसरा पॉइंट, 26 जनवरी को 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तीसरा पॉइंट, भारत का संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा है। चौथा पॉइंट, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिफ्थ पॉइंट, इस दिन ही भारत को गणराज्य का सर्वोत्तम दर्जा प्राप्त हुआ था। सिक्स पॉइंट, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा लहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। हम लोग स्कूलों में भी क्या करते हैं, अपना तिरंगा झंडा फहराते हैं और फिर सब लोग राष्ट्रगान गाते हैं, है ना? ऐसा ही वहाँ पे भी होता है। ये कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है। सातवां पॉइंट, गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक एक भव्य परेड निकाली जाती है। आठवां पॉइंट, इस परेड में भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना भाग लेते हैं। नवां पॉइंट, इंडिया गेट सहित अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दसवां पॉइंट, 26 जनवरी के दिन वीर चक्र, परमवीर चक्र जैसे राष्ट्रीय सम्मान किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इस निबंध को याद करो, साथ ही सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।